दोस्तों, कैसे हो सब? दोस्तों, आज हम एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं जो कि लखनपुर से होते हुए सीधा गढ़वाल की ओर जाएगा। और आज हम फिर से लखनपुर टोल बैरियर को क्रॉस करेंगे और वहां पे एक फॉर्म भी फिल होगा, हम वो भी फिल करेंगे। अगर आपको भी किसी बात की जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम पठानकोट, सुजानपुर और माधोपुर को क्रॉस करके लखनपुर पहुंच चुके हैं। हम लखनपुर में देख सकते हैं कि जो भी बस पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से आती है वो सब बसें यहीं पे रुकी हुई हैं और सवारियों को फॉर्म फिल करने के लिए उतार दिया गया। चलो देखते हैं अब आगे हमें क्या करना है। ये सिक्योरिटी हमें इशारा करते हुए कि हमें कहां पे अपनी गाड़ी पार्क करनी है। सी गाड़ियां पहले से खड़ी हुई, देखते हैं हमें क्या जगह मिलती है गाड़ी पार्क करने की, क्योंकि रश काफी लग रहा है। भाई साहब ने पता नहीं क्यों अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के रखा हुआ है। भाई साहब, गाड़ी का दरवाजा बंद करना। थैंक यू। मिल गई हमें भी जगह गाड़ी पार्क करने की। चलो अब चलते हैं फॉर्म फिल करने के लिए ऑफिस के अंदर। रश तो काफी है बाहर, अंदर भी लग ही रहा है, अंदर काफी रश है। पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप जो साइट पे देख रहे हैं सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी चेकिंग है और यहाँ से सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को आगे जाने की परमिशन है जिनके पास पास है। यहाँ तो वो जम्मू कश्मीर की गाड़ी होनी चाहिए, उन्हें परमिशन है जाने की। अगर आपकी गाड़ी बाहर की है तो आपको पास बनवाना अनिवार्य है। और जो बाहर से बसें भी आ रही हैं उनको भी रोका जा रहा है, उनकी सवारियों को उतारा जा रहा है और सवारियां पास बना रही हैं पहले, फिर उन सवारियों को आगे एक दूसरी बस है उनके अंदर बैठाया जा रहा है ताकि वो आगे का अपना सफर कर सके। तो अब हम अंदर आ चुके हैं ऑफिस के अंदर और आप देख सकते हैं काफी रश है और लाइट मोटर व्हीकल के काफी इन्होंने काउंटर लगाए हुए हैं और उनके ऊपर इन्होंने बताया भी हुआ है समय, किस समय से लेके और कितने समय तक आप पास बनवा सकते हैं। आप ये एंट्री देख रहे हैं, ये एंट्री सिर्फ ट्रकों के लिए, यहाँ से जो हैवी व्हीकल्स हैं ट्रक्स वो ही जाते हैं। तो ये एक काउंटर है, इस काउंटर से ही आपको फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना है और इस काउंटर पे फॉर्म वो सबमिट होगा, जहाँ पे जो ऑफिसर बैठे वो आपको स्टैम्प लगा के देंगे फॉर्म, और आपको उस फॉर्म की एक इमेज क्लिक करनी है और वो इमेज क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म वापस ऑफिसर को सबमिट कर देना है। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना पैन साथ जरूर लाइएगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी ना हो। कुछ बच्चे ऑफिस प्रीमिसेस में पेन तो सेल कर रहे हैं बट उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। अपनी सेफ्टी के लिए आप प्लीज अपना पेन साथ रखिए। जो फॉर्म फिल करना है बहुत ही सिंपल फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको
ड्राइवर का नाम, गाड़ी का नंबर, समय, डेट और कितने मेंबर ट्रैवल कर रहे हैं इस गाड़ी में, आपको सबकी डिटेल्स बतानी है और रीज़न, आप किस रीज़न से आप जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जिन्हें डोगरी आती हो, लोकल लैंग्वेज, आप उन्हीं को भेजिएगा ताकि वो ऑफिसर के साथ लोकल लैंग्वेज में बात कर पाए, ताकि ऑफिसर समझें पाएँ कि ये वहीं के लोकल हैं और ये जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न देते हैं तो हो सकता है कि आपका कोरोना टेस्ट हो। तो अब हम चेकिंग में पास दिखाकर आगे टोल प्लाजा की ओर जा रहे हैं, जहां पे हमें 85 रुपीस की पर्ची कटवानी होगी, जो कि जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश करने के लिए NHA द्वारा चार्ज किया जाता है। तो हम पहुंच गए लखनपुर टोल प्लाजा पे। अब हम लखनपुर टोल प्लाजा को क्रॉस कर चुके हैं और लखनपुर बाजार की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम लखनपुर के बल्ले खाएंगे और आगे का सफर शुरू करेंगे। हम कालीबड़ी, कठुआ, राजबाग, चढ़वाल और दयालेचक को क्रॉस करते हुए गगवाल की ओर जाएंगे। हम गगवाल से एंटर कर चुके हैं और अब हम जाएंगे अपने कुल देवता जी के मंदिर की ओर। चलो चलते हैं। तो आप ये जो लेफ्ट साइड में एक मंदिर देख रहे हैं, ये नरसिंह भगवान जी का मंदिर है और ये बहुत ही पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है। अगर कभी आप जम्मू की ओर जा रहे हो तो आप इस मंदिर में जरूर जाएं। शाम हो चुकी है और सनसेट का बहुत ही सुंदर नजारा। अगर आप जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और अगर आप GPS के थ्रू आना चाहते हैं
तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है तभी आपका इंटरनेट वर्क करेगा। अगर आप प्रीपेड कनेक्शन के साथ नेट यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रीपेड कनेक्शन जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश करने के बाद ही बंद हो जाएंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कभी भी जम्मू कश्मीर में एंटर करने वाले हो तो आप पोस्टपेड कनेक्शन अरेंज कर लीजिए, या तो आप प्री मैप्स डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में, ताकि आपको सफ़र में आसानी रहे। तो दोस्तों, आपको एक गेट दिखेगा जहाँ पर लिखा होगा अखिल भारतीय स्वार बरादरी, तो आपको उस गेट से एंटर करना है मंदिर में जाने के लिए। तो ये वीडियो स्पेशल अपने भाइयों के लिए बनाई गई है जो कि स्वार बरादरी से बिलोंग करते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से इस बार मंदिर नहीं आ पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आप इस वीडियो में मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अब्बा वेदी, दोस्तों ये है मंदिर परिसर के अंदर हवन कुंड। यहाँ पर हर साल कार्तिकेय पूर्णमासी के दिन हवन किया जाता है पूरी बरादरी की सुख शांति के लिए। जो आप देख रहे हैं संतरे की तरह दिखाई दे रहा है, यह संतरा नहीं है, यह केम का पेड़, और इस पे जो लगे हुए हैं केम, इसकी चाट भी बनाई जाती है और इसका अचार भी बनता है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी रेसिपी के साथ जरूर आएंगे। दोस्तों अब दर्शन के बाद हम जा रहे हैं अपने पुश्तैनी घर की ओर, जहां पर हमारी दादी हमारा इंतजार कर रही है। दोस्तों ये वीडियो अपने सभी भाई बहनों के लिए बनाई गई है जो लॉकडाउन की वजह से मंदिर नहीं आ पा रहे। आप इस वीडियो के जरिए घर बैठे आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। जय बावे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय बावे दी।